हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अपन ने एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स की वीडियो डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखिए। आज देखेंगे अपन फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन अपन ने लिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 3/10। तो पहले अपन देखते हैं एलसीएम कैसे निकालना है, फिर इसके बाद देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालना है। जब भी अपन को एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, तो अपन को फॉर्मूला क्या लगाना है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में जो जो संख्याएं दी गई है, यहां पर 2 और 3 है, इनका एलसीएम निकालना है, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसका अपन को एचसीएफ निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है अगर फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स हैं उनका तो एलसीएम निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स हैं नीचे उनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरीके से अगर अपन को एचसीएफ निकालना है तो अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर्स का और एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, जिसको अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहां पर इसको, इस एग्जांपल में अपन को न्यूमरेटर क्या क्या दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है अपन को इस दोनों फ्रैक्शन का, तो पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, और नीचे निकालेंगे अपन एचसीएफ ऑफ 5 छोटी संख्या देखनी, यहाँ पर सबसे छोटी है 5, 5 10 को डिवाइड करती है क्या, हाँ करती है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 5। तो इस दोनों फ्रैक्शंस का 2/5 और 3/10 का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास 6/5। तो अपन को जब भी एलसीएम निकालना है, अपन को बस इतना सा याद रखना है, एलसीएम है तो ऊपर वाली की जो का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली का एचसीएफ। इसी तरीके से यहां पर एचसीएफ होगा तो ऊपर न्यूमरेटर्स का अपन को निकालना है एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। आइए देखते हैं इस एग्जांपल में अपन को इन दोनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शंस का, अगर एचसीएफ निकालना है तो अपन को एचसीएफ निकालना है न्यूमरेटर्स का, जो ऊपर संख्या दी गई है उनका अपन को निकालना है एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर है उनका निकालना है अपन को एलसीएम। तो जो नीचे संख्या दी गई है उनका अपन को निकालना है एलसीएम। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। इस एग्जांपल में अपन को क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा 6 और 12 का, और नीचे अपन को एलसीएम निकालना होगा डिनोमिनेटर जो कि है अपने पास 7 और 11 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। 6 12 को डिवाइड करती है क्या, हाँ करती है, तो ये एलसीएम हो जाएगा 6। इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अपने पास, 11। 11 7 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 77। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 6/7 और 12/11, इसका एलसीएम निकालेंगे अपन, वो क्या आ जाएगा अपने पास 6/77। यहाँ पर अपन को एक और एग्जांपल दिया है, फाइंड द एलसीएफ ऑफ 48/51 से 12/17 और 60/17। तो यहाँ पर अगर अपन को इन फ्रैक्शंस का एलसीएफ निकालना है तो एलसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन एलसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर्स का जो अपने पास 48, 12, 60, और एलसीएम किस चीज का निकालेंगे अपन, जो अपन को डिनोमिनेटर में दिया है 51, 17, 17। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एलसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 12। 12 48 से डिवाइड करती है क्या, हाँ करती है, 12 4 से 48, इस तरीके से 60 12 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, 12 5 से 60, तो ये हो जाएगा एलसीएफ 12। एलसीएम के लिए देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 51। 51 17 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, 51 17 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा अपने पास 51। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएफ इन तीनों फ्रैक्शन का, 12/51। आइए अपन एक और एग्जांपल देखते हैं एलसीएम का। यहाँ पर अपन को एलसीएम निकालना है इन फ्रैक्शंस का 36/125, 42/25 एंड 54/55। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स जो है अपने पास 36, 42, 54। इसी तरीके से अगर अपन एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, तो वो है अपने पास 125, 25, 55। तो सबसे पहले अपन ने देखा था एलसीएम कैसे निकालेंगे, अपन इनको साथ लिख लेंगे और फिर अपन इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, 12, 18, 21, 27, और फिर 2 से करेंगे तो 9, 21, 27, 3 से करेंगे तो 3, 7, 9, वापस 3 से करेंगे तो 1, 3, 7, वापस 3 से करेंगे तो 1, 7, 1, और यहाँ जाएगा 7, तो हो गया 1, 1, 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 2, 2 से 4, 4, 3 से 12,
इसी तरीके से 3 3 9 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो अपन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 से 108 108 7 करेंगे तो क्या जाएगा 756, तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा अपने पास 756। अब अपन को एलसीएफ निकालना है 125, 25 और 55 का, तो एलसीएफ के लिए देखते हैं अपन सबसे छोटी संख्या कौन सी 125 को डिवाइड करता है क्या, हाँ करता है, 55 को नहीं, तो इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टर क्या होंगे इसके 5 × 5, अपन लेंगे 5, 125 5 से डिवाइड करता है हाँ, 25 करता है हाँ, 55 करता है हाँ, तो यहाँ पर एलसीएफ क्या जाएगा अपने पास 756 बाय, तो इन तो यहाँ पर एलसीएफ तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा अपने पास 5, यानी ये जो पूरे अपन को फ्रैक्शंस दिए हैं तीनों 36 बाय 125, 42 बाय 25, 54 बाय 55, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 756 डिवाइड बाय 5। तो इस तरीके से अपन ने देखा किस तरीके से अपन को फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और इसी तरह की ट्रिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।